मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से की अपील। हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, सड़कें खुल चुकी है और हिमाचल प्रदेश के लोग सभी पर्यटकों के स्वागत करने को तैयार हैं। जयराम ने फिर ठोकी सियासी कील। स्तर पर रेस्टोरेशन के काम होने चाहिए थे, वो गति बहुत धीमी है। आज भी हिमाचल प्रदेश की सैकड़ों सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं, खुली नहीं। आज भी हिमाचल प्रदेश की सैकड़ों पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं, अभी तक नहीं चल पाई। सड़क और पेयजल के मुद्दे पर निशाने। पहली ऐसी आपदा है जो रास्ते की सबसे बड़ी आपदा है, लेकिन ना पानी की समस्या आई छुटपुट जगह छोड़कर और ना सड़क की यातायात को रोका गया। कांग्रेस और भाजपा फिर आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में तबाही का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हो रही तो वो है सिर्फ सियासत। और हो भी क्यों ना, ये तो राजनेताओं का सियासी धर्म है और वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हो। विपक्ष चुन चुन कर मुद्दों को उठा रहा है और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और मंत्री भाजपा के सवालों का जवाब देते नहीं थक रहे। मतलब आपदा के बाद अब सियासी वार पलटवार और बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तो मानो इस वक्त फुल फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी आपदा राहत राशि के बंटवारे पर वो सवाल खड़े करते हैं तो कभी व्यवस्था परिवर्तन के दावों को सवालिया निशान लगाते हैं। जयराम ठाकुर कभी राहत कार्यों पर सरकार को घेरते हैं तो कभी सड़क बहाली और पेयजल योजनाओं पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और तो और, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू खुद उनके और भाजपा के नेताओं के जवाब देने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं। मतलब जहां जहां मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी कार्य, वहां वहां नेता प्रतिपक्ष और भाजपा की सियासत। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पर्यटकों से हिमाचल आने की दोबारा अपील कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अब सड़कों की बहाली और पेयजल योजनाओं पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। स्तर पर रेस्टोरेशन के काम होने चाहिए थे, वो गति बहुत धीमी है। आज भी हिमाचल प्रदेश की सैकड़ों सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं, खुली नहीं। आज भी हिमाचल प्रदेश की सैकड़ों पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं, अभी तक नहीं चल पाई है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारा इलाका हिमाचल प्रदेश का ऐसा है जहां कम्युनिकेशन के सारे माध्यम टूटे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को जिस तरह से उनको निभाना चाहिए उसमें निराशा लोगों को हो रही है, क्योंकि युद्ध स्तर पर काम शुरू होने चाहिए थे, अभी तक शुरू नहीं। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियाँ, यहाँ के पहाड़ और झरने हर व्यक्ति को लुभाते हैं। इस बार मानसून के मौसम में भारी बारिश और जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स के कारण कई सड़कें बंद हुई है, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से अब लगभग सभी सड़कों को खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, सड़कें खुल चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश के लोग सभी पर्यटकों के स्वागत करने को तैयार हैं। सड़क मार्ग में हम काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने एक देखा कि 48 घंटे के अंदर ये पहली ऐसी आपदा है जो रास्ते की सबसे बड़ी आपदा है, लेकिन ना पानी की समस्या आई छुटपुट जगह छोड़कर और ना सड़क की यातायात को रोका गया, यही सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि पहले से 70,000 करोड़ के कर्ज तले डूबे हिमाचल प्रदेश को आपदा में भी करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतनी बुरी परिस्थिति में भी अगर सुक्खू सरकार ने ग्राउंड लेवल पर काम कर पर्यटकों के लिए रास्ते साफ किए हैं तो फिर ये काबिले तारीफ है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने खुद पर्यटकों से हिमाचल आने की अपील की है।
लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार हर कार्य को तेजी से करने के दावे कर रही है तो फिर विपक्ष बार बार सरकार को क्यों और कैसे घेर रहा है? आखिर विपक्ष के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या ये सिर्फ एक सियासत है या फिर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों में आखिर कितना दम और कितनी सच्चाई है? ये एक गंभीर सवाल है। आपदा राहत राशि को लेकर भी सियासत कम नहीं हो रही। प्रदेश सरकार का तो दायित्व है कि उनके मुखिया यानी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली भी जाएंगे और केंद्र से राहत राशि को लेकर स्पेशल पैकेज की मांग भी करेंगे, और मुख्यमंत्री ने ऐसा कई बार किया। लेकिन उधर विपक्ष का भी फर्ज है कि आपदा में वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और सियासी बयानबाजियों से दूर रहे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपदा के बीच ही हिमाचल में भाजपा अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप रही है और बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच आपदा को लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो रही है। तो सवाल ये है कि आखिर आपदा में सियासी अवसर कौन तलाश रहा है? और ये सवाल समाचार फर्स्ट शुरू से पूछ रहा है। एक सवाल और है, वो ये कि नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता खुद मानते हैं कि ऐसी आपदा हिमाचल के इतिहास में पहली बार आई है जिसकी भरपाई में काफ़ी वक्त लग सकता है। उधर मुख्यमंत्री भी केंद्र से स्पेशल पैकेज और यहां तक कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुके हैं। तो फिर हिमाचल भाजपा सुक्खू की इन मांगों का समर्थन क्यों नहीं करती? आखिर क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियाँ हो रही हैं? जग जाहिर है हिमाचल में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सुक्खू सरकार बनी है और लोकसभा चुनाव का डर दोनों ही पार्टियों को होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रदेश की जनता को असल मुद्दों से भटकाकर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जाए। इसलिए दोनों ही पार्टियों के नेताओं को बयानबाजियों से बचते हुए आपदा की इस घड़ी में एक साथ खड़े होकर देश को एक अलग संदेश देना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त, धन्यवाद।